जी वाइन ग्लास बनाते हैं आज। ठीक है, तो मैं बना के दिखाता हूँ। पहले फ्रंट व्यू में आ गया मैं, और इमेज प्लेन इंपोर्ट इमेज मैंने देखता हूँ किस नाम से सेव की है फाइल। मेरे ख्याल से ये रही। ठीक है, व्यू में आ जाता हूँ मैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ और थोड़ा बैक साइड पे कर लेता हूँ। अच्छा, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ से वैल्यूज़ नहीं डाल रहा। ठीक है, और मैं माउस सेंटर में मैंने रखा हुआ और मैं ड्रैग कर रहा हूँ मतलब वैल्यूज़। ये तरीका क्या होता है कि आप इधर वैल्यूज़ को चेंज करने के बजाय इधर जहाँ नेम लिखा हुआ है ना, इनको सेलेक्ट करें। जैसे कि ये नेम मैंने ये सेलेक्ट किया है, और स्क्रीन मतलब इधर से बस फिर इधर इसका काम ख़त्म हो गया। स्क्रीन के इधर सेंटर में आए कहीं पे भी इस व्यू पोर्ट में, और माउस का मिडल बटन जो व्हील नहीं होता उसको प्रेस करें। देखें, ये एक ऑप्शन आएगी जब मैं प्रेस करता हूँ, और माउस को राइट टू लेफ्ट करें तो ये वैल्यू चेंज होगी। याद रखना, मैं इधर क्लिक करके वैल्यू के ऊपर राइट लेफ्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे इमेज सेंटर के ऊपर रख के आपने माउस व्हील राइट टू लेफ्ट मिडल माउस का बटन दबाना है। तो फिर बताता हूँ तो कैसे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। कोई भी वैल्यू तो आपने उसके टेक्स्ट के ऊपर, ये टेक्स्ट लिखे हुए कोई भी टेक्स्ट आपने फिर सेलेक्ट किया, माउस का मिडल बटन आपने प्रेस करना है इमेज के ये व्यूपोर्ट में, और ये राइट टू लेफ्ट में माउस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम सेंटर से, ग्रिड के सेंटर से थोड़ा पीछे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडलिंग करनी होती है। जैसे कोई भी चीज़ है तो वो इसके साथ फिर टकराती है, तो फिर इसलिए हम लोग इसको इधर नहीं रखते। देख रहे हैं आप, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अक्सर फिर ये कि कभी ऐसे क्रैश हो रहा होता, कभी आपको नज़र ही नहीं आता आपका जो यहाँ पे आपने क्रिएट किया था ज्योमेट्री, क्योंकि वो इमेज के पीछे आ गई, क्योंकि आप ये इस एंगल से देख रहे हैं अभी इस व्यू में। तो खैर, ये थोड़ी सी डिटेल थी, तो मैं पीछे कर लेता हूँ इसको इस पॉइंट से। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, और मैंने इसको शुरू करना है क्योंकि ये राउंड है, तो मतलब राउंड राउंड है, तो मैं ये सिलेंडर है इधर से शुरू करता हूँ। सिलेंडर मैंने क्रिएट किया है और मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। अच्छा, इमेज देख रहे हैं थोड़ी सी मतलब ऑफसेट है, ऑफसेट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है इस ग्रिड के लाइन में, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको अब देखें, ये मिडल माउस से सही एक्यूरेट नहीं बैठ रही, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, -0.2, -0.1, -0.0, 0.1 भी नहीं, 0.2, 0.25। हाँ, मेरे ख्याल से ये कुछ बेहतर है। खैर, शुरू करते हैं ये। ठीक है, और थोड़ी सी आई थिंक मैं और ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ चले जाता हूँ। थोड़ा सा इमेज को ना थोड़ा सा और ट्विक करके देखता हूँ कि ये, हाँ परफेक्ट, यही ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर लिया, ये मेरे पास आ गया। मैं क्या करूँगा कि, अच्छा एक चीज़ याद रखना, आप गौर करना कि आपने जब वाइन ग्लास बनाया था तो आपके नीचे की जो बेस थी ना वो एम्प्टी थी। ठीक है, तो वो ये रीज़न थी क्योंकि हमने ये हिस्से ऊपर और नीचे वाले फेसेस डिलीट कर रहे हैं, तो हम ये बाद में दोबारा क्रिएट भी करेंगे ये फिल करने के लिए जो हमने फेसेस डिलीट किए हैं। तो उनका होता है फिल होल की ऑप्शन होती है ये रही, ताकि वापस बंद हो जाए, तो हम अभी नहीं बंद करेंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं, और मैंने जो आपको बताया था एक्सट्रूड मूव टूल, तो मैं शॉर्टकट मेरे पास है एक्सट्रूड की ऑप्शन, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा ऑप्शन में कहाँ पे, क्योंकि आप माया पुराना वर्जन यूज़ करो, इसकी ऑप्शन थोड़ी डिफरेंट है। तो खैर, मैं इसको ले जाता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि अभी ये चीज़ इधर रख लेता हूँ। तो मैं अभी थोड़ा फास्ट फास्ट करूँगा, तो मेरे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ है। शॉर्टकट की ये है कि बार बार मुझे एक्सट्रूड में जाके एक्सट्रूड दबाने की ज़रूरत नहीं है हर टाइम, तो क्योंकि एक ये कमांड थी एक्सट्रूड की, आपने एक दफ़ा अगर यूज़ कर ली है, आपने दोबारा जाके इधर से जो भी आप एक्सट्रूड का बटन दबाते थे मॉडलिंग में जाके, ठीक है, तो उसके बजाय आप जी का बटन प्रेस करें। जी दोबारा जो है ना एक्सट्रूड एक्टिव कर देता है। जैसे अभी मैं ये जी का बटन दबाया, ये एक्सट्रूड लग गया, ये देखें। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मूव और स्केल अप, तो फिर मैं एक्सट्रूड मतलब जी का बटन दबाया है, मूव ये, तो मेरा ये इस तरीके से ये थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। मैं इसको स्पीड अप कर लेता हूँ थोड़ा सा काम को। ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी शेप यहाँ तक, यानी अब देख रहा हूँ मैं एक तरफ फोकस कर रहा हूँ, मैं दोनों राइट लेफ्ट पे फोकस नहीं कर रहा, किसी एक साइड पे से आपने मैच कराना। आपने इस तरीके से अपना हाथ बिठाना है जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ।
अगर आपको लगता है कोई एज ज्यादा बाहर निकला हुआ, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये वाली लाइन ना, इसमें मुझे ये वाली लाइन थोड़ी सी बाहर निकली हुई नजर आ रही है, मीन्स ये लहराती हुई नजर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई। अच्छा, यहाँ पे आपका काम डन नहीं होता ऊपर वाले हिस्से का, तो मैं क्या करूँगा कि अब आप अगर देखते हैं कि इसकी एक थिकनेस होती है, वॉल्यूम होता है इसका, कि भाई ये शीशे का ग्लास है, ये वापस शीशे की गहराई अंदर की तरफ जाएगी। और वॉल्यूम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वापसी एक्सट्रूड करूँगा और स्केल डाउन, ये देखें इस तरीके से स्केल डाउन किया और फिर एक्सट्रूड करूँगा नीचे की तरफ ले जाऊँगा, ये देखें इससे एक वॉल्यूम बना है। और इसी तरीके से अब आपने दोबारा कंटिन्यू करना है इसकी एक्सट्रूजन, मतलब इसी तरह इसको वापस नीचे लेके आना है, आना है, आना है, और यहाँ पे लाके बंद करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसका वॉल्यूम अगर आपको